नमस्ते, वेलकम टू जस्ट भारत। 2024 ऐसा साल है कि हर एक के लिए कुछ ना कुछ लाई, शायद मेरे लिए भी कुछ लाएगे ऐसा उम्मीद रखती हूँ। राहुल गांधी वायनाड और रायबल से जितने मिराकिल से कम नहीं, ऐसा मिराकिल हर एक के लिए होना है। और अब EVM के एलिगेशंस भी चले, इंडी पार्टीज को 239 सीट्स आई, NDA बन के BJP थर्ड टर्म पावर में आई, तो पक्ष और विपक्ष दोनों कुछ है। मगर हर चीज़ का दो पहलू होती है, ऐसा ही पावर का भी दो पहलू है, शो ऑफ पावर, बीइंग इन पावर। तो आज जो इंडी पार्टीज स्पीकर इलेक्शंस को बुलाकर जो कल होने वाली है, वो एक्चुअली कॉन्सेंसस से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को चुना जाते हैं। मगर इस इश्यू को भी खींच कर ये लोग इलेक्शंस में जा रहे हैं, इस एक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका चीन, इनका पाकिस्तान, इनका अमेरिका को दिखाना चाहते हैं अब मोदी जी का कुछ पावर नहीं रह गया, उनका डिक्टेटरशिप को हम होने नहीं देंगे। मगर ये भूल गए 25 जून 1974 ऐसा ही इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू करके सेकुलरिज्म वर्ड जनता पर थोपी है। इसको कहते हैं शो ऑफ पावर। अगर इलेक्शन कमीशन भी शो ऑफ पावर करी तो इनका 99 MPs डूब जाते हैं गारंटी कार्ड में। मगर मोदी जी ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि जनता को नज़र में रखकर ये लोग काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं बीइंग इन पावर। ओम बिरला जी जीतेंगे ये नंबर्स कह रहे हैं। जय